तो कुछ औरंगजेब वाली खूबियां हैं और कुछ सुल्तानों वाली बरादरी और सखावत है जिसका यहाँ पे मुजाहरा हुआ। मुझे बहुत कम मौका मिलता है सुल्तान से रबते का, लेकिन जब भी मुझे सुल्तान ने बुलाया मैंने मना नहीं किया। और मुझे अफसोस इस बात का है कि थोड़े से लेट हो गए हम इस मरतबा, वरना अभी पिछले हफ्ते एक यूके से टीम आई हुई थी जो लीग मैचेस करवाती है, अगर उस वक्त हमारी मुलाकात हो जाती तो मैं समझती हूँ कि इन बच्चों का एक तारुफी मैच ज़रूर मैं उस टीम के साथ भी करवाती। माना कि वो अंडर 19 नहीं थे, वो अंडर 16 थे सारे, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये टीम अगर खेलती, अभी भी मैं कहूँगी अपना सुल्तान छोटे छोटे मुझे अगर शॉट बना के इनके तारुफ के अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं वो शॉट जो है बकाई में होते हैं नवाब आलम साहब, आप लोग शायद जानते होंगे, मैंने उनसे बात की है कि जो ये हमारे बच्चे हैं जो अंडर 19 के और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में होते हैं और ये डिस्ट्रिक्स के लेवल पे खेलते खेलते आते हैं, तो उन्होंने कहा मैडम मुझे बताइएगा जितने लोगों को भी मैं अपने ग्राउंडों में खिला सका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को जो है वहाँ पर भेजूँगा, तो एक लिस्ट बना दीजिएगा मुझे ताकि हम जो है ये उनसे शेयर कर लें। और अगली कोई मीटिंग ऐसे रखिएगा नवाब आलम साहब को मैं मिलवा दूँ आपसे और आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से ताकि एक रबते का सिलसिला शुरू हो जाए। दूसरा आपने मुझे कहा लड़काना के लिए, तो मुझे शेड्यूल अगर आप बता दें कितने दिन का है। 2 दिन का। कब जा रहे हैं ये लोग? हम लोग 9 को पहुँचेंगे, 10 और 11 को। 9 नवंबर को पहुँचेंगे। 9 नवंबर को पहला मैच है और 11 को फाइनल। किसके साथ खेल रहे हैं? लड़काना के। मैं जो हूँ अभी यहाँ से जाते ही डीसी साहब से रब्ता करती हूँ। आप लोग जा कैसे रहे हैं? भाई बस जा। कितना अखराजात कितने आपके? टोटल मैम एक एक तरफ का 3000 रुपये टिकट वाला एक बच्चे का 16 लड़का। टोटल कितना हो गया? 16 को 3000 से कितना हो गया? कितना हो गया आपका? 48। 50,000 रुपये का मैं अनाउंस कर रही हूँ आपको कि 50,000 रुपये जो है वो आप उससे ले लें, चाहे कैश ले लें चाहे अगर अकाउंट में डाल लें तो मुझे बता दें। तो ये ट्रिप जो है लड़काना वाला जो है वो मेरी तरफ से जितना भी मैं कर सकी, बाकी डीसी साहब जो कर सकें वो डीसी साहब करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अनीस की तरह रिटायर ना हो, क्योंकि हमें सियासत में ये बड़ा फ़ायदा है कि हम कभी रिटायर नहीं होते। यहाँ आप लोग गवर्नमेंट के होते हो तो आप लोगों को रिटायर होना पड़ता है और पढ़ने की बात है कि आपकी उम्र पता चल जाती है लोगों को, हमारी तो किसी को एज ही नहीं पता चलती कि हम पता नहीं कितने हो गए, क्योंकि हम कभी बूढ़े ही नहीं होते, सियासत कभी बूढ़ी नहीं होती। तो आप लोगों से मैं कहूँगी आज का बहुत अच्छा हमारा रहा कि हम जो इस वक्त पाकिस्तान सफ़र कर रहा है इस वक्त, चाहे वो शॉर्ट मार्च हो चाहे वो फ्लॉप मार्च हो या जो भी हो, हम ये कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान एक इदारा है। बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहना था कि इदारों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर हमने तंज किया, तमाम सियासी जमातें करती हैं, हमने किया तो हमने इदारों को नहीं किया, शख्सियात को किया हमने। कोई भी एक शख्स शमीम बुरी हो सकती है, पूरी सिंध गवर्नमेंट तो बुरी नहीं हो सकती, सुल्तान बुरा हो सकता है, पूरी टीम तो बुरी नहीं हो सकती। तो हमने अगर कभी तनकीद की, जो कि सब कहते हैं कि तनकीद होती है, तो हमने इदारों पर नहीं की, हमने शख्सियात पर की, किसी एक का नाम लेके की कि उसने हमारे साथ ज़्यादती की। तो हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम अफवाज पाकिस्तान के नाम हम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी अफवाज जो सरहदों की मुहाफिज है अगर वो सो जाएं तो हमारे लिए सोना बहुत मुश्किल होगा, तो हमें सोने के लिए उनका जागना ज़रूरी है, और अगर वो जागेंगे तो सरहदों की हिफाजत होगी, और सरहदों की होगी तो मुल्क की हिफाजत होगी। तो हम इस वक्त एक नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का भी और अफवाज पाकिस्तान का भी, सब साथ बैठेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा दूसरा ये कि मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगी, जैसे अभी पुलिस का नाम आया मैं तो भूल भी गई थी कि मुझे नाम लेना भी चाहिए, और मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की भी बिल्कुल यहाँ पर तारीफ करूँगी, क्योंकि मैं खासतौर पे बच्चों पे काम करती हूँ और बच्चों का जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ खासतौर पर, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों। अभी हमने 2 दिन पहले जिना हॉस्पिटल में 6 साल की बच्ची का मामला था, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, उसकी उंगलियाँ भी काट दी गई थी, वो हमने हल करवाया। तो मैं कहूँगी कि अगर पैरामेडिकल ना हो और सिंध पुलिस ना हो, सिंध पुलिस ठीक है किसी के साथ काम करती हूँ भी किसी के साथ नहीं, लेकिन चाइल्ड के हवाले से इस तरह जो अवेयरनेस पुलिस में हुई है तो एक कॉल की सिर्फ बात होती है और वो जो है मुजरिम पकड़ा भी जाता है, और उसको सज़ा देना ना देना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम FIR काट के कोर्ट तक भेजना है, अब यहाँ से कोर्ट का काम शुरू होता है, और हमें जो सबसे ज़्यादा सेटबैक है वो अदलिया की तरफ से हो रहा है कि अदलिया जो है वो इंसाफ की फराहमी में बहुत देर लगाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो छूट जाते हैं और उन मजलूम बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो आज के फोरम से अगर आप कोई भेजें बना के राइटिंग में तो ये चीज़ डालिएगा कि ज़रूर कि हम इंसाफ, ये बच्चे तकाजा कर रहे हैं कि जो इनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं उसके ऊपर जल्द इंसाफ की फराहमी की जाए। और जो हम कहते हैं कि एक पाकिस्तान में 2 कवानीन नहीं होने चाहिए, तो कैसे कल सदफ़ के ऊपर जो है जो हमारी एक अच्छी सहाफ़ी थी उसके साथ जो कुछ हुआ,
कैसे रात को बंद कमरे में बैठ के उसके शौहर के साथ एक मुआहदा तय कर लिया गया कि जी वो एक हादसा था, तो ये क्या एक पाकिस्तान में दो इंसाफ हुए या नहीं हुए? अभी 5 बजे मेरे ख्याल से प्रेस क्लब के ऊपर मुजाहरा है और मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ से होती ही जाऊँ और मैं यकजहती में उनके साथ भी शामिल हो जाऊँ। तो हम ये कहेंगे कि एक पाकिस्तान एक इंसाफ, और आप में से देखिए मैं एक बात की कायल हूँ, नाम बड़े ज़रूर होते हैं, शायद अफरीदी का भी नाम होगा, कभी किसी ज़माने में जो है ज़हीर अब्बास का भी नाम था, बहुत सारे नाम थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन खुदा के वास्ते 92 वाला कप्तान मत बनना। 92 वाला कप्तान को आसान भी हो गई, 92 वाला कप्तान नहीं बनना वरना पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर में सुल्तान हम शुक्रिया अदा करेंगे, मैंने स्टेज पर बैठे हुए लोगों के नाम नहीं लिए क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है, इसलिए मैं भूल जाती हूँ हमेशा, तो बहुत माजरत और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया।